नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं ब्लाउज़ और पेटीकोट का भूल कर भी इस तरह से यूज़ नहीं लेना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ब्लाउज़ और पेटीकोट होता है वो स्त्री के शरीर के जो एक अति आवश्यक जिसको बोलते हैं वस्त्र होते हैं उनमें से एक होता है। भले ही जो महिलाएँ साड़ी नहीं पहनती हैं या सूट वगैरह पहनती हैं तो उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो महिलाएँ साड़ी वगैरह पहनती हैं तो ब्लाउज़ और पेटीकोट अनिवार्य अंग हैं। तो आपको सबसे ध्यान रखने की बात है, कई बार वो वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो कुछ घरों में हमने देखा है और ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए हमने आज का वीडियो बनाया है। जो जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है तो प्लीज़ वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, और यदि आपको उपयोगी लगता है तो बने रहें चैनल पर। तो आपको मैं यही बताने जा रही हूँ कि जो ब्लाउज़ और पेटीकोट है उसका भूल कर भी पोछा नहीं बनाना चाहिए। कई महिलाएँ इसको यूज़ में ले लेती हैं, तो ब्लाउज़ और पेटीकोट ऐसी वस्तु है, ऐसा वस्त्र है महिलाओं का जिसको कि भूल कर भी पोछे के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोछे के रूप में जब ब्लाउज़ और पेटीकोट का प्रयोग किया जाता है तो कई तरह की विपदाएँ परिवार पर आती हुई देखी गई हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग करने से आप बचें। और छोटे बच्चों का भी जो वस्त्र होता है या उसको यूज़ में नहीं लेना चाहिए पोछे वगैरह के काम में। कई घरों में ले लिया जाता है तो इस तरह से उसको आपको यूज़ में नहीं लेना चाहिए, और इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, किचन में यदि आपको जो किचन के स्लैब वगैरह है वहाँ पर अगर कुछ पहुँचने की आवश्यकता है या साफ़ करने की आवश्यकता है वहाँ आप ले सकते हैं, लेकिन उसका पोछा आप ना लगाएं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।